क्राइमिया पुल अटैक के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि इसका करारा जवाब देंगे, और क्राइमिया ब्रिज हमले के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि रूस ने यूक्रेन पर कई भीषण हमले कर दिए हैं। दरअसल रूस ने दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक के बाद एक कई हमले किए हैं। ये हमले ओडेशा के दक्षिणी तट और मिकोलेव, डोनेट्स्क, खेरसन, ज़ेपोरिजिया, निप्रोपेत्रोव्स्क इलाके में हुए हैं। मिकोलाइव के तट पर रूसी हमले से भयंकर आग लग गई। बता दें कि ये तटीय शहर यूक्रेन को ब्लैक सी से जोड़ने का काम करता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि रूस ने ईरान शहीद ड्रोन से मिकोलाइव इलाके में हमला किया है। वहीं ओडेशा के सैन्य प्रशासन का कहना है कि ओडेशा के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रूसी ड्रोन हमलों को विफल किया है। यूक्रेन के लिए ओडेशा बेहद ही अहम है क्योंकि यहां पर यूक्रेनी सेना के कई नेवल बेस भी हैं। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों से पहले क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर एक रिमोट कंट्रोल नाव से हमला हुआ था, और इस पुल से रूसी सेना तक यूक्रेन में असला और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जाता था, और इस हमले के बाद से ही पुतिन ने इसका करारा जवाब देने की घोषणा की थी।